अब हमारे पास इसका समय है कि अगर पैनल में से कोई कुछ रिस्पॉन्ड करना चाहे या मनदीप कुछ कहना चाहे तो वहाँ से भी बात बात कर सकते हैं। बहुत हाँ ज्यादा चीज जी होता जी जी मतलब आप भी इसको नेता बना के ही छोड़ेंगे। है सिर्फ मैम क्योंकि क्रिटिकली इस किताब को देख रही थी तो उन्हीं की बातों का ही मैं जवाब देना सही मानता हूँ। तो नवशरण ने सबसे आखिरी में पंथक सियासत के ऊपर बात की। उन्होंने कहा कि उनका तो कृषि को लेकर कोई दस्तावेज नहीं है, लेकिन जो सिख आधारित सियासत है पंजाब में वो आनंदपुर मते उससे पहले भी रही है, और वो इसमें चाहे दीप सिद्धू हों या दूसरे जो सिख संस्थाएं हैं वो अपने तरीके से थी। वो राज्यों के अधिकार कम किए जाने और सेंट्रलाइजेशन, मतलब जो हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का जो पूरा नैरेटिव है उसके उलट नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स में जो रिलीजियस माइनॉरिटी हो या भाषाई माइनॉरिटी हो वो किस किस्म से उस सवालों को डील करने की कोशिश कर रहे हैं, उनमें मैं मानता हूं कि पोस्ट मॉडर्न फ्रेम तो है। मैं नवशरण की बात से सहमत भी हूं, मतलब पोस्ट मॉडर्निस्ट आइडिया उन चीज़ों पे घर कर गया है, सही बात है। लेकिन वो जो गतिविधियां कर रहे थे उनको एक पत्रकार नज़रअंदाज कर दे ये मुझे सही नहीं लगता। इसलिए मैंने उनको जो जो वो गतिविधियां कर रहे थे, जो जो पॉलिटिकल एक्टिविटी कर रहे थे, मतलब दीप सिद्धू आज के टाइम पे पंथक सियासत में मतलब ऐसी आइडेंटिटी है कि मतलब उनके ऊपर कमेंट नहीं कर सकते। फिर भी मैंने उनकी पॉलिटिकल पोजिशंस लिखी। वो मतलब दिसंबर में वो इस बात पे सहमत हो गए थे कि सस्पेंड पे राजी हो जाना चाहिए वो, और मुझे पता है कि खाली यहाँ लेफ्ट से नहीं मुझे मतलब मार वो मतलब क्रिटिसिज्म झेलना पड़ेगा, पंथक सियासत से भी झेलना पड़ेगा। और पंथक सियासत बोलेगी कि तो दीप सिद्धू को बदनाम कर रहा है, पंथक संस्थाओं को बदनाम कर रहा है, ये चलेगा। पत्रकार का ये हिस्सा है कि जितने भी पॉलिटिकल धिरे हैं, मतलब नवशरण की भी एक पॉलिटिकल धिर मतलब धिर तो नहीं कहेंगे लेकिन एक पॉलिटिकल पक्ष है, वो एक मोटे मोटे ब्रॉड आइडिया से सहमत दिखती हैं। तो इस वजह से मतलब मुझे पता था कि ये आएगा और इसलिए नाम भी नवशरण का इसलिए मैंने कहा कि होना चाहिए। दूसरी बात, मतलब जो किसान यूनियनों का जो इतिहास है उसके ऊपर मैं नवशरण मैं बता दूं कि मेरी आधी किताब हो चुकी है, हाँ, और मैं सारे संगठनों का इतिहास लिख रहा हूँ और वो भी शायद अगले साल आपके हाथ में होगी। अभी 2 दिन पहले मैं राजेवाल जी के यहाँ से आया, उनके पास सबसे ज़्यादा अगर बड़ा अगर आर्काइव है। राजेवाल जी को हम सब मतलब मैं कम से कम जब बात करता हूँ उनको देखता हूँ, तो इंटरव्यू भी मैंने उनका लिया, तो उनको बड़ी किसानी का ज़्यादा कहा जाता है मतलब, और मैं भी मानता हूँ कि वो बड़ी किसानी को रिप्रेजेंट करते हैं। कई बार तो लोग उससे भी आगे जाके बोलते हैं, आढ़तियों के नेता ही बोल देते हैं उनको, लेकिन उनके पास आर्काइव बहुत शानदार है। और सारे किसान नेताओं के पास घूम रहा हूँ अभी, और उनकी पुराने प्रेस नोट, पुरानी चीज़ें, पुराने आंदोलन वो भी लेके आ रहा हूँ। पिछले 20-21 साल के आंदोलन किसानों के वो मेरे मुझबानी हैं। आपको होगी ना कि कब रोड़े बट्टे चले किसान आंदोलन में, वो भी बता दूंगा, और ये भी बता दूंगा कहाँ पर शांतमय ढंग से काम हो गया। तो ये है कि मतलब जो समाज शास्त्री हैं उनके पास एक ब्रॉड आइडिया होता है, ब्रॉड वो होता है, हम तो आधे अधूरे लिखतकार होते हैं। मैं पहले ही इस किताब की उसी में मैंने लिख दिया कि आधे अधूरे लिखतकार। उसका कारण ये है कि हमें जो दिख रहा होता है हम वही लिखते हैं, उसके पीछे की जो चीज़ें हैं वो नहीं लिख पाते। और मैं कॉन्स्पिरेसी थियोरी पर ध्यान देश कह रहा हूँ, तो इसलिए मैं कोई भी किताब में कॉन्स्पिरेसी नहीं बनाना चाहता था। इसलिए मैं इंडियन स्टेट पे ज़्यादा कमेंट नहीं कर पाया क्योंकि मुझे नहीं पता था कि जो सरकार के लेवल पे क्या बात, कैसे उसको नेगोशिएट करने की कोशिश हो रही है, आंदोलन को ख़त्म करने को कैसे कोशिश हो रही है। मतलब मैं परोस दूं कि देखो मोदी के ऑफिस में तो ये बातचीत चल रही थी, अमित शाह ऐसे घड़बड़ा गए थे, अमित शाह ने अपने पीए से ये कहा वो कहा, तो इंडियन स्टेट की मतलब मेरे को फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। तो मैं मतलब वो मेरी सीमितताएं थी और इसलिए मैंने उस मैं जो इंडियन स्टेट जो कुछ कर रहा था उसमें जो विजिबल एक्शंस थे, चाहे वो खाई खोदना हो, किसानों की गिरफ्तारी हो, सिवा बैठे हुए हैं शिव कुमार मजदूर हैं उनकी गिरफ्तारी हुई थी, तो वो उस उनके ऊपर किस किस्म का क्रैकडाउन हुआ वो हो, वो सब मैंने लिखने की कोशिश की है। नवदीप कौर के ऊपर राजवीर बैठी है, तो ये जितने भी लोग थे इनके साथ जो लगा जो हो रहा था वो मैंने लिखने की कोशिश की है। उसके अलावा मतलब इनसाइड नरेंद्र मोदी अमित शाह के दफ्तर में क्या चल रहा था या रॉ आईबी ये कैसे सोच रहे थे वो मेरी मतलब उससे बाहर था पकड़ से, और मैं उस पर कमेंट भी नहीं कर सकता। मतलब पत्रकार के लिए सबसे पहले चुनौती तो यही होती है कि मतलब मैं कम से कम ये देख के लिखता हूँ चीज़ को कि ये कम से कम कॉन्स्पिरेसी थियरी के नज़दीक ना जाए। जो तथ्य बाहर हैं
वहीं तक रहे, और कोई बड़ा फ्रेम करने के चक्कर में, बड़ी हवाबाजी करने के चक्कर में मैं कुछ भी लिख दूं उसका कोई मतलब नहीं समझ में आता। और ये पहला वर्ड है, मतलब नवशरण मैं ये बिल्कुल कहना चाहूँगा कि ये पहला मतलब फर्स्ट वर्ड है, और आपने जो बातें मेरे को बोली हैं मैं बिल्कुल उनको सिलसिलेवार ढंग से मतलब उन पर काम करने की कोशिश करूँगा और उनको उनको एड्रेस करने की कोशिश करूँगा। और मैं एक एक अब खुद से भी मैंने अपने से वायदा किया है कि इस किताब के ऊपर जो जो भी डिबेट्स आएंगी उनका मैं सबका जवाब देने की कोशिश करूँगा, वो भी लिखित फॉर्म में। मैं फेसबुक कमेंट वाज या सोशल मीडिया पे जो होगा उसमें ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करूँगा, ये मैंने खुद से वायदा किया कि मैं कमेंटों में लोगों से उलझता फिरूँ, लेकिन हाँ जो जो अगर सवाल आएंगे सिंसियर सवाल आएंगे एकेडमिशियंस की तरफ से ज़्यादा आएंगे, मुझे पता है, इसलिए एक अकेडमिशियन रख एक या तीन अकेडमिशियन रखने बहुत ज़रूरी थे। तो अकेडमिशियंस मतलब वो फ्रेम समझते ना कि भाई मॉडर्न पोस्ट मॉडर्न ये, और उसके अलावा भी पत्रकारिता में 50 चीज़ें हैं, सोशोलॉजी में 50 चीज़ें हैं, जैसे महिलाओं का एंगल नवशरण जिक्र कर रही थी। मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ नवशरण जी, ये किताब लिख रहा था ना, हर चैप्टर में मैं ये सोचता था कि लोग मतलब ये बोला जाएगा और बोला भी जाना चाहिए, और मुझे खुद लिखते हुए एहसास हो रहा था कि ये मेंस हिस्ट्री है, मतलब ये मेरी सीमित मतलब ये थी कि उसमें मतलब सीरियसली मैं किताब में ऐसे हर एक चैप्टर में सर पकड़ता था कि यार कि इतने एक्शन हो रहे थे उसमें, औरतों की कितनी बड़ी वो थी, मैं उन पर कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ, ये मेरी मतलब मुझे सच में उस समय पे अपनी सीमितताएँ लग रही थी, और मतलब कोशिश रहेगी कि आगे उससे पार पाया जाए। शुक्रिया।